रिलायंस ग्रुप में कई विवाद सड़क पर आ जाने के बाद अब बड़े भाई ने छोटे भाई की वो मदद की है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी न केवल अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाते हैं बल्कि उनका कर्जा भी चुकता करते हैं। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन पूरी होने के एक दिन पहले एरिक्सन का बकाया चुकाकर खुद को जेल जाने से बचा लिया। आरकॉम ने टेलीकॉम उपकरण निर्माता स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान कर दिया है। इस राशि में जुर्माना और ब्याज की रकम भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने 19 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि अनिल अंबानी को 4 हफ्ते के भीतर पूरी रकम चुकानी होगी वरना उन्हें 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। एरिक्सन के साथ बकाया भुगतान मामले में उन्हें अदालत की अवमानना का भी दोषी पाया गया था। आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने संकट की इस घड़ी में मदद के लिए अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी भाभी नीता अंबानी को धन्यवाद दिया। अनिल अंबानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मेरे साथ खड़े रहने के लिए मैं अपने बड़े भाई मुकेश और भाभी नीता को धन्यवाद कहूंगा। ऐसे मौके पर मदद करके उन्होंने ये दिखा दिया और अपने पारिवारिक मूल्यों के प्रति सच्चाई के साथ खड़े रहना कितना जरूरी है। मैं और मेरा परिवार खुश हैं कि हम पुरानी बातों से आगे निकल आए हैं और बड़े भाई के इस कदम के आभारी हैं। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी को जानबूझकर उसके आदेश का उल्लंघन करने और टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए बकाए का भुगतान नहीं करने पर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंबानी रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के अध्यक्ष छाया वीरानी ने कोर्ट में दिए गए आश्वासनों और इससे जुड़े आदेशों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंबानी और अन्य को अवमानना से बचने के लिए एरिक्सन को 4 सप्ताह में 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने कहा कि अगर वे निर्धारित समय में भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 3 महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल दोनों को 4 सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 1-1 करोड़ रुपए जमा करें नहीं तो अध्यक्ष को 1 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। एरिक्सन के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी कंपनी को बकाए के रूप में शेष 458.77 करोड़ रुपए का भुगतान आरकॉम की ओर से किया जा चुका है। आरकॉम पर कुल 571 करोड़ का बकाया था जिसमें से 550 करोड़ रुपए वन टाइम सेटलमेंट के और 21 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में जुड़े थे। आरकॉम पहले एरिक्सन को 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी थी। एरिक्सन से छुटकारा पाने वाले अनिल अंबानी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने भी उनके खिलाफ एनसीएलटी जाने की तैयारी में है। निगम ने कहा है कि वो इसी सप्ताह आरकॉम पर बकाया 700 करोड़ वसूलने के लिए कंपनी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएगा।